तो गाइस, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह इस बच्चे को पुलिस वाले ने इग्नोर किया, तो वो जाके रॉकी को कंप्लेन कर दिया। तो रॉकी को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, जिससे कि वो पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। तो अब आगे सर, रॉकी भाई ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, तुम्हारे रॉकी भाई ठीक है, उसको थोड़ी सी चोट आई है, बस उसको 2 दिन की रेस्ट की जरूरत है, उसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। रॉकी भाई, अब आप ठीक तो हो ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, उन पुलिस वालों की खबर भी लेनी है। नहीं रॉकी भाई, आप ठीक हो जाओ फिर चलेंगे। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमको मेरा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये गाड़ी वाला था कौन जिन्होंने हमें टक्कर मारा था? मुझे दिखा नहीं था कि ड्राइवर कौन था, पर जो भी था मुझे लगता है उसने ड्रिंक कर रखा था। ऐसे पियक्कड़ लोग ना जाने पीकर गाड़ी चलाकर कितने लोगों की जान लेते होंगे। चलो छोड़ो, खैर चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। इंस्पेक्टर, मैंने सुना है तूने इसके पापा के डेथ का रिपोर्ट नहीं लिखा है और इसको भगा दिया है। अरे नहीं नहीं रॉकी भाई, ऐसा किसने कह दिया आपसे? इसका रिपोर्ट तो लिख चुका है, बस मैं दूसरे केस में फंसा हुआ था इसलिए इस केस में ध्यान नहीं दे पाया। आपको आने की क्या जरूरत थी साहब? आप फोन कर देते बस, मैं आज ही इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करता हूँ। और ये तो मेरे बेटे के समान है, मैं इसका रिपोर्ट कैसे नहीं लिख सकता हूँ? देख इंस्पेक्टर, ज़्यादा होशियारी मत कर, इसके पापा का रिपोर्ट नहीं लिखा है तो अब तक जल्दी से लिख ले और इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर। इसके पापा के खूनी को जल्दी पकड़, समझा? ज़्यादा होशियारी नहीं करने का। रॉकी भाई, अभी कभी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता हूँ, जल्दी कर। और तुम टेंशन मत लो, इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है, तुम्हारे पापा के खूनी को जल्दी पकड़ लेंगे। वैसे कहाँ रहोगे तुम अभी? तुम्हारा तो घर भी नहीं है। मैं कहीं भी रह लूंगा, मेरा तो घर भी नहीं है। अरे तुम मेरे साथ चलो, जब तक तुम्हारे पापा का खूनी नहीं पकड़ा जाता तुम मेरे साथ रहोगे। ठीक है रॉकी भाई। ये बच्चा तो रॉकी के पास चला गया, अब तो रॉकी के पास रहने भी लगा। अगर ये उसके पास रहा तो ये तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा मेरे लिए। मैं तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके पापा का खून मैंने किया है। अब क्या करूँ, लगता है इस बच्चे को ठिकाने पे लगाना पड़ेगा। अरे सांडा, मुझे तेरी मदद चाहिए, एक बच्चे का खून करना है, वो रॉकी के साथ रहता है। सांडा से अब तक कोई नहीं बच पाया है और ना ही कोई बच पाएगा। मामला रॉकी का है इसलिए रोकड़ा दुगना लूंगा, पता दुगना यूसी चाहिए, देगा तो वो। दुगना क्या, तू 3 गुना ले ले, बस काम क्लियर करके आ जा। ये हुई ना बात, 3 गुना यूसी देगा, हा, 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 मतलब समझ ले काम खो गया। चलो बहुत रात हो चुकी है, अब जाके तुम सो जाओ। ठीक है रॉकी भाई। We'll be right back.
ए, कौन है तू? यहाँ क्या करना है? पिस्टल नीचे करने थे, अभी गोलियों से भून दूंगा तुझे। नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे मत मारो प्लीज। मैं इस इंस्पेक्टर के कहने पर मैं बस इस बच्चे को मारने आया था। क्या मुझे मारने आए थे? मुझे जाने दो रॉकी भाई, मैंने बस पैसे लिए थे इसे मारने के लिए, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। उसने मुझे मारने के लिए पैसे दिए थे। मुझे तो लगता है तुम्हारे पापा को भी इंस्पेक्टर नहीं मारा, इसलिए अब वो तुमको भी मरवाना चाहता है। मुझे कुछ नहीं पता रॉकी भाई, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। ये अगर यहाँ से बच के गया तो शायद इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देगा। ये यहाँ से जाना नहीं चाहिए, मारो इसको। कल सुबह देखता हूँ उस इंस्पेक्टर को। तुम सो जाओ, कल देखता हूँ उस इंस्पेक्टर को। आराम से सो जाओ तुम अभी। रॉकी भाई उसे छोड़ना मत। इंस्पेक्टर कहाँ है तू? सामने आ, बाहर निकल इंस्पेक्टर। अरे अरे क्या हो गया रॉकी भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? एक इंस्पेक्टर, तेरा काला चिट्ठा खुल चुका है, अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। तूने इसके पापा को मारा है ना? कल रात तूने जो आदमी भेजा था इस बच्चे को मारने के लिए, वो पकड़ा गया है, उसने सब कुछ उगल दिया है। अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत कर। तो आपको सब कुछ पता चल गया रॉकी भाई, मुझे माफ़ कर दो रॉकी भाई। उसके पापा को मैंने जानबूझ के नहीं मारा था, उस रात मैंने काफ़ी ज़्यादा पी रखा था, तो गाड़ी मुझसे बैलेंस नहीं हो रहा था और उसके पापा फुटपाथ पे सोया हुआ था। मुझे कुछ नहीं दिखा था, मुझे कुछ भी नहीं पता था रॉकी भाई। मैंने उसके पापा को अनजाने में मारा था, मेरी गलती नहीं है रॉकी भाई। चलो मान लिया तुमसे गलती हो गई थी, तुम गलती मान लेते कानून तुम्हें छोटी सज़ा देकर तुम्हें माफ़ कर देती, पर तुमने इस बच्चे की खुद जान लेने की कोशिश की, ये तो गलती नहीं था ना? ये तो तुमने जानबूझकर जान लेने की कोशिश की इस बच्चे की। तुम जैसे लोग पुलिस की वर्दी तो पहन लेते हो लेकिन फिर भी पीना नहीं छोड़ते, पीकर गाड़ी चलाते हो, तो तुम क्या लोगों को सिखाओगे? तुम्हें तो खुद सीखने की ज़रूरत है, तुम जैसे लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। मुझे माफ़ कर दो रॉकी भाई, मैं पीना छोड़ दूंगा आज से रॉकी भाई, प्लीज मुझे माफ़ कर दो। रॉकी भाई मार डालो इसको, ये मेरे पापा का कातिल है। रॉकी भाई, अगर आप नहीं होते तो शायद ही मुझे इंसाफ मिलता। अरे थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आपने मुझे नया बैकपैक और किताब दिलवाई और हॉस्टल में भी एडमिशन करवा दिया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, तुम्हें पढ़ने की बहुत चाहत है इसीलिए मैंने तुम्हें हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, अब तुम वहीं पर रहना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तुम मुझे याद कर लेना। चलो अब स्कूल चलो। ठीक है रॉकी भाई। अरे रॉकी भाई आओ आओ आओ। अच्छा यही वो लड़का है क्या जिसका आपने नया एडमिशन कराया? हाँ यही है। ये तो वही लड़का है जिसको मैंने स्कूल से निकाल दिया था, इसके पापा 3 महीने से फीस जमा नहीं कर पाया था। मैंने कहा था कि रॉकी भाई से मदद ले लो या तो चले जाओ, पर ये लोग तो चले ही गए। हाँ उसी दिन इसके पापा की डेथ भी हो गई। ओ ये तो बहुत गलत हुआ। आप इसको हॉस्टल ले जाइए, इसकी कोई भी जरूरत हो तो आप बस मुझे एक बार फोन कर देना। ठीक है रॉकी भाई, चलो बेटा तुम मेरे साथ आओ।
बाय, अपना ख्याल रखना। बाय रॉकी भाई। तो गाइस हो गई ना हैप्पी एंडिंग। इस वीडियो के सहारे मैंने आपको एक बात बताने की कोशिश की है, जो कि अगर आपसे अनजाने में कोई बड़ी गलती हो जाती है तो आप उस गलती को झूठ साबित करने की कोशिश ना करें, उस गलती को मान लें। क्योंकि वो गलती को अगर आपको झूठ साबित करना हो तो उसके लिए आपको और हज़ारों झूठ बोलने पड़ेंगे, जो कि आपके लिए और बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। बस यही बात है। और गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और गाइज़ अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब करने का मन नहीं कर रहा है तो आप मेरी बाकी वीडियोज़ जाके देखिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब किए बिना ये चैनल छोड़ के नहीं जाने वाले हैं।